हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले भैया ये बताओ कि जब आप लोगों ने इसकी थंबनेल देखी तो आप लोगों को बाइक कैसी लगी, सच सच बताना। आप लोगों ने सोचा होगा कि भैया ये क्या यामा वालों ने कर दिया यार, जो आप लोग देख पा रहे हो वो बिल्कुल सच है। यामा वालों ने लेकिन अभी अपनी MT125 में अपडेट लाया, ध्यान रखिए। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि भैया यहां पे जो अपनी नई वाली MT15 आती है उसमें लेकर अपडेट नहीं है, ये MT125 में इन्होंने फाइनली ऑफिशियल अपडेट ला दिया है। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिए कि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, MT15 और MT125 दोनों ही सेम बाइक आती है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें अपडेट आया तो इंडियन मार्केट वाली वेरिएंट में भी अपडेट आएगा। क्या क्या चेंजेस हुए, क्या प्राइस रहेगी, कब तक आ सकती है, सारी चीजों के बारे में आज की शुरू में बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्रांड न्यू अपकमिंग यामा MT15 वर्जन 3 के बारे में। देखिए यार, नो बकवास, कोई फालतू बात नहीं करते, पहले बात कर लेते हैं मेजर अपडेट के बारे में कि मेजर अपडेट क्या है इस बाइक में। देखिए इस बाइक में जो मेजर अपडेट लाया गया MT125 में फिलहाल अभी, तो इस बाइक में आपको फाइनली TFT डिस्प्ले देखने को मिल गया। अब आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में फिलहाल अभी जितनी भी कंपनीज है वो TFT डिस्प्ले को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि यार हर ब्रांड को अभी ये लग रहा है कि देखिए बाइक्स में पावर के अलावा फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। तो हर एक ब्रांड इस चीज़ पे काम कर रही है। तो फाइनली दोस्तों यामा वालों ने भी अपनी MT में TFT डिस्प्ले दे दिया, जो कि हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे। फिलहाल 125 में आया, लेकिन हमारे जो वर्जन 3 आएगी ना उसमें आप लोगों को ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देखिए इस डिस्प्ले का जो लुक है ना भाई, पर्सनली मैं बताऊँ वो ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है डिस्प्ले में, नया डिस्प्ले का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि फीचर्स आप लोगों को बाइक में पहले भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते थे, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार आपको बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिला है। बाकी स्पीडोमीटर का जो लुक है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस आपको बताया कि अपनी यामा MT15 वर्जन 3 में जो अपने राइडिंग मोड्स मिसिंग थे, तो वो राइडिंग मोड्स भी आप लोगों को जो है बाइक में देखने को मिलेंगे, तो ये भी चीज़ आपको बाइक में मिलने वाली है। बात कर ले दोस्तों अब बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, पहले आप ये जान लीजिए कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कब तक आ सकती है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट में आने वाले 3 से 4 महीने, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों जनवरी मंथ में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। यामा की तरफ से मैं श्योर हूँ दोस्तों, जैन मंथ में ही आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी 110%। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक आपको मिल जाएगी। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के मेजर और भी अपडेट्स के बारे में, तो बता दूँ इस बाइक में आप लोगों को पहले की तरह आपको पता है कि सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता था, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को वर्जन 3 में आपको MT15 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसके 110% चांसेस हैं और यह चीज होनी भी चाहिए यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों बाइक में क्विक शिफ्टर। देखिए आपको पता है कि भैया यामा वालों ने अपनी R15 V4 में क्विक शिफ्टर दे दिया, जबकि R15 V4 पहले आई है, उसके बाद MT15 V2 आई है, तो इन्होंने भाई क्विक शिफ्टर MT में नहीं दिया। ये क्या भेदभाव करते हैं मुझे समझ में नहीं आता MT से। अब आप लोगों को वर्जन 3 में क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेगा, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो फिलहाल वो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आप लोग बार बार ये पूछते रहते हो कि भैया हमारी जो नई वाली मतलब MT15 है उसकी जो सीट है वो क्या बढ़ाई जाएगी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, MT की जो पीछे वाली सीट है अगर यामा उसे बढ़ा देता है थोड़ा सा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा उस बाइक में। जो मजा रहता है वो मजा पूरा खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये है मेरा, जो उसका लुक निकाल कर वो देती, तो मुझे नहीं लगता कि यामा ऐसे कोई भी कदम उठाने वाला है। बाकी हाँ एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन में यामा अभी और भी काम कर सकता है, इसके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। बाकी दोस्तों आप लोगों को नई वाली जो MT125 है वो कैसी लगी बताना, और हमारे यहाँ की जो वर्जन 3 है ना वो बिल्कुल ऐसी की आपको देखने को मिलेगी। कुछ अपडेट रहे चाहे मत रहे, बट स्पीडोमीटर यानी कि TFT डिस्प्ले का जो अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने के चांसेस 110% है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भैया बाइक के प्राइस के बारे में कि अब क्या प्राइस बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है भैया बाइक में अपडेट आया तो प्राइस बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी जो अपने MT आती है वो 1,65,000 रुपये के आसपास की एक्सोनो प्राइस आती है, और नई वाली में मुझे लग रहा है कि कम से कम भैया बाइक का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है अराउंड, मुझे लगता है 5,000, 1,70,000 रुपये के आसपास की अब आपको ये बाइक एक्सोनो प्राइस देखने को मिलेगी।
बाकी आप लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नई वाली MT-125 कैसी लगी। सो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको बता दूं यही 125 इंडियन मार्केट में हमारे की MT-15 वर्जन 3 के नाम से आएगी, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद करते हैं आपकी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।